इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बलरामपुर में मौजूद है, क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया आपको सुनवाते हैं। इस श्रावस्ती में बना करके इसे एक पहचान दी थी। कौन नहीं जानता है कि श्रावस्ती भगवान बुद्ध ने एक संन्यास जीवन के सबसे अधिक चतुर्मास कहीं व्यतीत किए थे, इसी श्रावस्ती में व्यतीत किए थे। और यही नहीं, दसवीं ग्यारहवीं सदी में विदेशी आक्रांताओं के छक्के छुड़ाने वाले महाराज सुहेलदेव भी इसी श्रावस्ती के राजा के रूप में उन्होंने भारत की स्वाधीनता को, भारत के स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए विदेशी शत्रुओं को रौंदने का कार्य भी किया था। एक और इतनी गौरवशाली परंपरा के साथ हमारा श्रावस्ती जनपद जुड़ा हुआ है, वही आदिशक्ति मां भगवती पाटेश्वरी की कृपा। और आज जिस राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम के विराजमान होने के इस गौरवशाली क्षण के हम साक्षी बने हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से, उनके विजन से, उनकी दूरदर्शिता के कारण, उनके नेतृत्व में हम सब जानते हैं इस देश के अंदर 1949 में अयोध्या में रामलला की एक पावन धरा और वहां पर ये सही कार्यक्रम आगे बढ़ सके, आंदोलन की शुरुआत भी इसी बलरामपुर जनपद में आदिशक्ति मां भगवती पाटेश्वरी पीठ और महाराजा बलरामपुर, इन दो स्थानों पर भूमिका तैयार हुई थी और आज पूरा देश उसके परिणाम से अवगत करता है।